नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आप पूछ रहे थे कि भैया सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट टाइम बाई टाइम आप कुछ बताइए, तो देखिए हम बिगनर्स के लिए बता रहे हैं कि जो कंपटीशन की शुरुआत कर रहे हों या पहले भी पढ़ रहे हों, बेसिकली जो गलतियां हम करते हैं उन गलतियों को कैसे सुधारें और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, आज ये हम जानें। देखिए मेन होता क्या है कि आप हार्ड टारगेट सेट कर लेते हैं। हार्ड टारगेट कैसे, आप 12 घंटे 14 घंटे स्टडी करेंगे। अब होता क्या है कि आप हर उस काम को रोक देते हैं जो आपके मन के लिए, जो आपके तन के लिए ज़रूरी होता है, जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी होता है, आप उस हर काम को रोक देते हैं। करना क्या चाहिए स्टूडेंट, देखिए उस चीज़ को जो गड़बड़ें आज तक हो रही हैं, जो आप उल्टा क्रम अपनाए हुए हैं, उस क्रम को सीधा करिए। पहले तो आप सबसे पहले प्रॉपर नींद आप लें, दूसरा आप टाइम टेबल सेट करें। बिगिनर्स 2 घंटे 3 घंटे शुरुआत में इस तरह से सेट करें, और आप टाइम टेबल मत बनाइए। टाइम टेबल बनाने से आप अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आएगी। टाइम टेबल नहीं बनाइए, आप पूरे दिन में ये तय करिए कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है या मुझे 10 घंटे पढ़ना है, जितना भी आप तय कर पाएँ उतना आप तय रखिए। उस टाइम पीरियड को आप पूरे 24 घंटे को 3 टाइम जोनों में बांट लीजिए। जैसे मॉर्निंग टू दोपहर रख लीजिए, दोपहर से आप इवनिंग तक रख लीजिए, और इवनिंग से आप नाइट तक रख लीजिए। और जिस भी टाइम पीरियड में टाइम कवरअप नहीं कर पा रहे हैं आप, उसको दूसरे में कवरअप करने की कोशिश करें। और तीनों टाइम पीरियडों में जो भी आपने टारगेट सेट किया है, 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे जितना भी आपने सेट किया है, उसको कवरअप करें। उस 8 घंटे को भी केवल आप स्टडी ना करते रहें, आप केवल पढ़ते ना रहें, उसमें आपको जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो की ऑफ सक्सेस मैं आपको बता देता हूँ। की ऑफ सक्सेस है प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू पेपर, पेपर पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट पर आप लगातार प्रैक्टिस करिए, ये की ऑफ सक्सेस है। आप पढ़ रहे हैं नया, पढ़िए आप 4 घंटे तो आप 1 घंटे पुराने का एनालिसिस, पेपर प्रैक्टिस सेट का तरीका, करने का तरीका, बैठने का तरीका आप ये जानें। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो लेट नाइट बहुत पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि पेपर आपके ऑनलाइन आजकल हो रहे हैं या ऑफलाइन भी हो रहे हैं, वो पूरे दिन में कहीं ना कहीं वो हो रहे होते हैं, दिन के पीरियड में हो रहे होते हैं, और आपको आदत है दिन में सोने की। तो जब आप उस समय सो रहे होंगे तो आदत आपके माइंड को उस समय सोने की होगी। अब आप पेपर के समय पर नज़दीक पर उस आदत को बदल रहे होंगे, तो मेरा आप लोगों से कहने का ये है कि आप उस टाइम को मैनेज करके आप रात में सोएं, बेहतर सोएं, और दिन में आप पढ़ने की कोशिश करें। माहौल ऐसा बना लीजिए कि आप बेहतर पढ़ पाएँ। आप ज़्यादा टारगेट नहीं, आप बेहतर क्वालिटी का पढ़िए, आप पढ़ेंगे। और दूसरा एक और स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, आप सेल्फ डिसिप्लिनड रहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ मोटिव नहीं है, तो समझ लीजिए मज़दूर बनने के लिए आप तैयार रहिए। आपने देखा होगा कि मज़दूर जो होता है उसको मेजर करने के लिए, उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए एक सुपरवाइज़र की नियुक्ति होती है। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं कर ला सकते अपने जीवन में, आप बेहतर डिसिप्लिन के साथ नहीं स्टडी कर सकते, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब पाएँ, आपको कोई हक नहीं है कि आप बिजनेस में बड़ा करें। आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हुए तो आपकी हालत एक मजदूर के जैसे होने वाली है। तो आप डिसिप्लिन रहिए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल बनाकर फिक्स ज़बरदस्ती के उसको मत करिए। टाइम टेबल बना लिया आपने, आप टाइम टेबल बनाने पर आप क्या करते हैं, मन के काम को रोकते हैं या तन के काम को रोकते हैं, शरीर के काम को रोकते हैं। आप अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो भी मन स्वस्थ नहीं होगा, तन स्वस्थ नहीं तो मन स्वस्थ नहीं होगा, तो आप नहीं पढ़ पा सकते। तो आपको करना क्या है कि आपको डेली वर्कआउट करना है, स्टेप्स ज़रूर चलने हैं, और मन के स्वस्थ होने के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए आपको जो आपको अच्छा लगे, जैसे क्रिकेट खेलना, गपशप लगाना और टीवी देखना, आप इनको भी थोड़ा रखिए। ऐसा नहीं कि आप गपशप में बैठ गए तो आपने 2 घंटे बिता दिए। आप सभी चीज़ को मैनेज करिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, और टाइम टेबल ना बनाकर टाइम टारगेट रखिए, और टाइम टारगेट को आप अचीव करिए। आई होप आप बेहतर करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे, अपने लक्ष्य को आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप टाइम टेबल ना बना के आप टाइम पीरियड तय करिए, और उस टाइम पीरियड को तीनों टाइम जोनों में, 3 या 4 जो भी आप टाइम जोन बनाएं, उनमें अचीव करें, बेहतर करें, बढ़ते रहें, चलते रहें। धन्यवाद।